आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। एक सितम्बर से कर देंगे मंजा। क्या कार्य की जा रही है? मैं इंस्पेक्टर आयन वर्मा लोकायुक्त उज्जैन से हूँ। उद्यानिकी विभाग देवास में ड्रिप इरिगेशन योजना अंतर्गत वर्ष 2013, 14 और 14-15 में जो ड्रिप संयंत्र लोगों को बांटे गए थे उसमें टोंक, कन्नौज और देवास में कुछ हितग्राहियों को दूसरे ही वर्ष दोबारा बांट दिए गए थे एक ही खसरा पर। जबकि योजना अंतर्गत ये नियम था कि 5 हेक्टेयर तक अलग अलग वर्ग के हिसाब से इसमें सब्सिडी दी जाती थी और 10 वर्ष के अंतराल में हितग्राही फ़ायदा ले सकता था। लेकिन तत्समय पदस्थ अधिकारियों में जैसे उप संचालक थे नरेश सिंह तोमर, तकनीकी सहायक तकनीकी प्रभारी थे इंदरमल बरगोदे, मेहरवान सिंह रामबाबू उपाध्याय अधिकारी थे। इन लोगों ने 15 हितग्राहियों को वर्ष 13-14 में और दोबारा 14-15 में इसी योजना का उसी खसरे पर लाभ दिया गया था। इस संबंध में हमारे यहाँ 15 प्रकरण दर्ज हुए थे, अभी विवेचना में है, विवेचना लगभग पूर्ण हो गई है। उससे संबंधित कुछ मूल रिकॉर्ड जो अभी तक उद्यानिकी विभाग से हमें प्राप्त नहीं हुआ है उसको मैं जब्त करने अपनी टीम के साथ आज उद्यानिकी विभाग देवास में आ गया। सर कब मिली थी शिकायत लोगों को? ये शिकायत 2015 में हुई थी, फिर इसमें प्राथमिक जांच के उपरांत 2016 और 2017 में कुल मिलाकर 15 प्रकरण दर्ज हुए थे। उसके कुछ मूल दस्तावेज अभी हमें संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हीं को जब्त करने के लिए मैं आज उद्यानिकी विभाग आ गया। ठीक है।